हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल के वन शॉट के बारे में। एक शॉट में निपटाएंगे पूरा का पूरा ट्रायंगल बच्चों। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इसके क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट दे रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। जल्दी से जाइए, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अलग से, पहले वन शॉट देख लेना, उसके बाद ही जाना एमसीक्यू देखने। और आप लोगों को एक बात बता दूं, मैथ्स एंड साइंस दोनों की ही अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं अदर से एक सैंपल पेपर सॉल्व करना, तो ऑसवाल का सैंपल पेपर भी सॉल्व किया है, सीबीएसई का भी सैंपल पेपर सॉल्व किया है, उसकी भी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों एमसीक्यू के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहते हैं ट्रायंगल के, तो आप लोगों को वो करने के लिए, वो क्वेश्चंस पाने के लिए आप लोगों को केल्विन ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करिए, खुद को लॉगिन करिए, और उसके बाद हमारी टीम आपको असाइन कर देगी पूरा का पूरा वीडियो पैकेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगी वहां पर। और आप लोग एक बात और बता दो, उसकी पीडीएफ और वीडियो दोनों मिलेगी, और एमसीक्यू की भी पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। बस आप लोगों को हमें 9658888588 पर एक मैसेज डालना होगा दैट आई नीड एमसीक्यू। ऐप डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और हमें मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आप लोगों को तुरंत से भी पहले असाइन कर देगी ये सारी की सारी चीजें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ट्रायंगल इन वन शॉट। तो मैं सचिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स यानी कि चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आप सभी लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं और यहां पर बताने वाला हूं कि आप लोगों को सबसे पहली बात कि ट्रायंगल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़नी हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़नी हैं। सबसे पहली बात, ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी माना जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस को साइड में रखेंगे और चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड सही से एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट बातों को समझेंगे। ज़्यादा कहीं इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, ताकि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर रह पाए। तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर की वेटेज के बारे में। तो चैप्टर की वेटेज के बारे में अगर बात करें तो आपको वन मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसमें? स्टैंडर्ड मैथ्स में। क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स की अगर आप लोग बात करें तो स्टैंडर्ड मैथ्स दो तरीके के पेपर आने लगे हैं मैथ्स में, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक, ठीक है? तो दोनों ही पेपर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बेसिक भी दे रखा है। वन मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, थ्री मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा और फोर मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि टोटल कितने होगा? एट मार्क्स। यानी कि स्टैंडर्ड मैथ्स में, स्टैंडर्ड मैथ्स का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आप लोगों को एट मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। और टोटल अगर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में भी बात करें तो आपको वन मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, टू मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा और फोर मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि टोटल कितने हो गए? सेवन मार्क्स। यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स में जो पेपर आएगा आपका बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें तो सिर्फ आप लोगों को सेवन मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों? तो स्टैंडर्ड वाले समझ चुके होंगे और बेसिक वाले भी समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए कि जब कभी भी, क्योंकि अब सभी के बोर्ड्स तो आ ही रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी है। अब प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? क्योंकि ट्रायंगल एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे सवाल होते हैं इसमें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सवाल होते हैं। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सवाल हैं, इसमें से मैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस करूँ जिनसे मेरा फायदा हो, क्योंकि टाइम बचाए कम, और इस बचे हुए टाइम में मैं ऐसे कौन से स्ट्रेट फॉरवर्ड वही सवाल कर लूं, तो मैं उसके लिए बता देता हूं आप सभी लोगों को कि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम अगर हम तैयार कर रहे होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे रेलिवेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके लिए सवाल हो जाते हैं वो होते हैं उस चैप्टर के आए हुए प्रीवियस साल में क्वेश्चंस। जी हाँ, पिछले दिए हुए सालों में क्वेश्चंस। और कौन से चीज़ अच्छी हो सकती है इसमें? इसमें और अच्छा हो सकता है कि अगर आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिल जाएं, मतलब कि अगर आपको ट्रायंगल के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएं तब बड़ा ही मज़ा आ जाए। बीपीटी के अलग क्वेश्चंस मिल जाएं, एरिया का जो प्रोपोर्शन है किसके साथ? उसके साइड्स के साथ, मतलब साइड्स का जब स्क्वायर होता है तो एरिया का जो प्रोपोर्शन दो सिमिलर ट्रायंगल्स उसके बराबर आता है। पाइथागोरस थ्योरम, अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएं तो, यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएं, जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा अगर आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें मिल गई। तो इसी वजह से हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा ये जो पैकेज है बच्चों, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। कैसे फ़ायदा पहुँचाने वाला है ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर बीपीटी में वन मार्क के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, टू मार्क के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, थ्री मार्क के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, फोर और
सिक्स मार्क के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, किस तरीके के सवाल आए हैं पिछले सालों में, आपको हर एक एक टॉपिक के बारे में हम लोगों ने अलग अलग वीडियो बनाई है। वन मार्क की वीडियो अलग मिलेगी बीपीटी के ऊपर, टू मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, पाइथागोरस थ्योरम पर भी आपको मार्क वाइज वीडियोस मिलेंगी। मतलब अगर पाइथागोरस थ्योरम में ये देखना है कि एक नंबर में किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, तो आप सिर्फ वही वीडियो देखिए। इस पूरे कोर्स में आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई हैं, मतलब कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और मार्क वाइज वीडियोज हम लोगों ने अलॉट करवाई हैं। साइंस और मैथ्स दोनों की ही वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ वीडियोस जो है बच्चों मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे 280 प्लस वीडियोस। सारे के सारे वीडियोस एचडी क्वालिटी हैं, आप उन्हें बड़ा आराम से दूर रख करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। वीडियो एक्सेस अनलिमिटेड है, मतलब कि किसी भी वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो, ऐसा नहीं एक वीडियो को एक बार या दो बार ही देख सकते हो, जितना मर्जी चाहो उतना बार देख सकते हो। इसको देखने के लिए आपको हमारी काइट्स ऐप डाउनलोड करनी होगी, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। अगर आप प्रीवियस ईयर का हार्ड कॉपी भी लेने जाते हो मार्केट में, वो 300 रुपये की पड़ती है, और फिर सैम्पल पेपर भी खरीदोगे 200-250 रुपये का, तो कुल मिलाकर के लगभग एक सब्जेक्ट पर 500 रुपये का खर्चा होगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर आपको क्लास नोट्स और सैम्पल पेपर दोनों दिए हैं। क्लास नोट्स का मतलब क्या है, वीडियोस जो हैं वो पहली बात तो इसी तरीके से जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है मैं पूरा दिखूंगा, इसी डिजिटल बोर्ड पर सारी की सारी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं बच्चों, तो बड़े आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी, और जो भी हर एक वीडियो का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियो है, पीडीएफ भी मिलेंगी आपको हर एक क्वेश्चन की, और सैम्पल पेपर खरीदने जाने की जरूरत नहीं है कहीं। हम लोग आपको लोगों को यहाँ पर इस पूरे के पूरे कोर्स के साथ फ्री दे रहे हैं 6 सैंपल पेपर, ठीक है। तो सैंपल पेपर का भी खर्चा बचा, PYQ की जो 300 रुपये की किताब आती थी वो भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, सिर्फ 99 रुपये में केमिस्ट्री खरीद, 99 रुपये में आप साइंस खरीद सकते हैं, और 99 रुपये में आप लोग मैथ्स भी खरीद सकते हैं। सो बचत की बचत हो गई, और आप लोग घर के घर में रहे, क्योंकि बाहर है कोरोना तो अंदर पढ़ो ना। चलिए बच्चा लोग, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आपके बड़े भाई बहन हैं आप उन्हें भी बता दीजिए कि क्लास 12th के लिए आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर PYQ का पैकेज है, क्लास 12th के लिए भी है, ध्यान रखिएगा, और लेकिन ये सिर्फ मैथ्स का है अभी, ओके। तो अपने बड़े भाई बहनों को भी बता दीजिएगा। चलिए ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर के बारे में, चैप्टर की डिटेल के बारे में। अच्छा, तो ट्राइंगल्स के बारे में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना शुरू करना होगा, और इसमें दो वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करनी है तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स आएंगी बच्चों, एक आएगा सिमिलर ट्राइंगल, क्या आने वाला है, एक तो आने वाला है बच्चों सिमिलर ट्रायंगल आने वाला है आप लोगों के सामने, और एक आने वाला है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। एक क्या आने वाला है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दो चीज़ें हैं, सिमिलर है और एक कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ज़रा, सिमिलर का मतलब और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रक्चर्स, ध्यान से सुनिएगा, दो स्ट्रक्चर्स अगर उनकी साइड, उनके एंगल सब कुछ बराबर हैं तो उन्हें कह देते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सिर्फ देखने में एक जैसे लग रहे हैं, यानी कि उनमें एंगल्स तो सेम होंगे, एंगल इक्वल्स होंगे, लेकिन साइड रेशियोज़ में सेम होंगी। फॉर एग्जांपल, जब कभी भी एक मेट्रो स्टेशन बनता है तो मेट्रो स्टेशन सबसे, या मेट्रो स्टेशन बना लो या कोई घर बनता है, तो अगर आप आर्किटेक्चर, प्रॉपर आर्किटेक्चर से, प्रोफेशनल आर्किटेक्चर से बनवाएंगे, तो पहले एक पूरा डिज़ाइन बना करके देता है, उसी घर का एक छोटा सा घर बना करके दे देता है, छोटा सा घर बना करके दे देता है, जिसमें क्या होता है कि आपको पता, देखो उसमें जो चीज़ें रहती हैं वो तो सेम एंगल्स पर रहती हैं, सीढ़ियाँ बना दी इतने एंगल पर बनेगी भाई, लेकिन क्या होती है सीढ़ियाँ उतनी बड़ी वाली सीढ़ी जितनी बड़ी थोड़ी ना होती, छोटी वाली होती है वो तो, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर काम करती हैं बच्चों। तो जैसे अगर एक मेट्रो स्टेशन बन रहा, मेट्रो स्टेशन काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो एक टेबल पर रखा दिया उन्होंने बना करके, और एक्चुअल में कितना बड़ा बनता है मेट्रो स्टेशन, है ना। तो इससे आप लोग ये समझ सकते हैं बच्चों, या घर की भी बात करो, तो एक घर पूरा बनाया आपने, उसका मॉडल बना दिया, मॉडल तो छोटा सा होगा लेकिन घर तो बहुत बड़ा होता है बच्चों। तो क्या हुआ, मॉडल में एक्चुअल में एंगल्स सेम थे लेकिन जो डायमेंशंस थी वो छोटी थी, और घर पे जब गए तो एंगल्स सेम ही, एंगल उतने ही थे भाई। अगर मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 30 डिग्री बनाऊँ, या फिर मैं यहाँ पर 30 डिग्री बनाऊँ, बात तो सेम ही है। अब आपको कुछ को ये छोटा लग सकता है लेकिन एंगल तो बच्चों सेम ही आ रहा है, तो एंगल सेम ही रहते हैं लेकिन जो साइड का रेशियो होता है ना वो
मैटर करता है यहाँ पर। मतलब सर देखिए, तो कॉन्ग्रेंट तो आपको यहाँ पढ़ना नहीं क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, आपको यहाँ पर सिमिलर के बारे में पढ़ना है। दोबारा से समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर भी एंगल मान लीजिए आप 60 डिग्री है, यहाँ पर भी मान लीजिए 60 डिग्री है, यहाँ पर भी मान लीजिए 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एंगल्स तो सेम है लेकिन साइड्स क्या है, साइज डिफरेंट है। तो अगर मान लीजिए देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, 7 है, 7 है, 7 है, तो रेशियोज देखिए सबके क्या आ जाएंगे बच्चों, अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स उठाएंगे तो रेशियोज क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे और एंगल्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आएगा, देखिए देखने में सिमिलर हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो एक बड़ा है और एक छोटा है, सिर्फ यही हो रहा है। इन दोनों के देखिए, ये दोनों के दोनों भी देखने में सेम लग रहे हैं, यानी कि सेम इनकी शेप है लेकिन इनके डायमेंशन सेम नहीं है, एंगल सेम है लेकिन साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो उनके रेशियोज बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं वो बराबर है। सो यहाँ पर आप लोगों के पास दो इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड दूसरी बात है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और सेम प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, सो ये दो बातें आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सिमिलर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहली थ्योरम और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से आप लोगों को पिछले सालों में कई बार सवाल देखने को मिला है। ज़रा बात करते हैं BPT थ्योरम के बारे में, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या है आखिर में ये BPT थ्योरम, आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोगों को कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल आप लोगों को दे रखा है और उस ट्राइंगल में आप लोगों को किसी भी एक साइड के पैरेलल साइड दे दी जाए, यानी कि जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो BC है वो पैरेलल है DE के, तो अगर आप लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि BC जो है वो पैरेलल है DE के, इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर BPT लग सकती है। अब ये जो BPT लग रही है बच्चों, ये BPT क्या क्रिएट करेगी, ऊपर यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है यानी कि AD, ये क्या है AD है, ये क्या है DB है अपॉन में DB, और यहाँ पर क्या होगा जो AD के सामने वाला पार्ट है वो क्या है AE है, ऊपर वाला पार्ट अपॉन में क्या है EC है। वो इस तरीके के रेशोज़ की बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं BPT। अभी कैसे प्रूफ होगी ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूंगा ताकि आप लोगों को इधर उधर बिल्कुल भागने की ज़रूरत ना पड़े, इसी एक वन शॉट में आप लोगों के सारी चीज़ों का निवारण आराम से हो जाए। चलिए ज़रा यहाँ पर डिस्कशन भी कर लेते हैं और बात इसकी ख़त्म करते हैं यहीं की यहीं। जैसे कि अगर आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं AD एक यहाँ पर ट्राइंगल है, और इसी के साथ आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूँ यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगर आप ADE की बात करें तो यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर है N दे रखा है ये, ठीक है ना, इधर भी एक परपेंडिकुलर जा रखा है ये M दे रखा है, आप लोग इसको ध्यान में रखें। और इसी के साथ आप लोगों को क्या पता चलेगा यहाँ पर, देखिए ज़रा अगर आप लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, हम लोगों को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों होता कितना है, वो होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है बच्चों। और जब ये बेस इंटू में, देखिएगा अगर ये बेस इंटू में हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आप लोग यहाँ पर बड़े ही आराम से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2। ज़रा देखिएगा इसको, देखने के दो नज़रिए हैं, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। जब आप यहाँ से देखते हैं तो हाइट कितनी दिख रही है EN और बेस कितना दिख रहा है AD, तो यानी कि आप लोग कह सकते हैं AD इंटू में EN। लेकिन प्यारे बच्चों यही सेम चीज़ यानी कि इसी का एरिया अगर आप यहाँ से देखते हैं तो बेस कितना दिख रहा है AE और हाइट कितनी दिख रही है बच्चों DM, यानी कि आप लोग कह सकते हैं 1/2 इंटू में AE इंटू में कितना आ जाएगा DM। ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझनी होगी। अच्छा, बात दोनों की सेम ही है, बात दोनों की सेम ही है, ADE का ही एरिया निकालना है, एक नज़रिया ये एक नज़रिया ये है बच्चों। यहां से देखें तो बेस और हाइट कुछ और है, यहां से देखें तो बेस और हाइट कुछ और है। इसी के साथ आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप लोगों से बात करना चाहूं मैं, ये देखिएगा जरा ध्यान से यहां पर, मैं यहां पर लाइट कलर का ग्रीन, ये देखिएगा ये एक ट्राइंगल लीजिए और आप लोग ये वाला भी एक ट्राइंगल लीजिए, यानी कि DEB और आप लोग D और EDC, ये दो ट्राइंगल ले सकते हैं आप लोग। और आप लोगों को मैं यहीं पर बता दूं, जब आप ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, जब आप ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, मतलब कि ट्राइंगल मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने ट्राइंगल बोल दिया आप लोगों से, डी
डी बी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई ले लिया मैंने, अब मैं क्या करूंगा यहां पर ई सी डी ये ट्राइंगल ले लूंगा। इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके एरिया की बच्चों बात करूं तो कितना आ जाएगा 1/2 × में, अगर आप लोग अब ध्यान से समझेंगे तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ये इसका बच्चों क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। जब बच्चों ये इसका बेस आ रहा है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ई एन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यानी कि बेस कितना हो गया डी बी और हाइट कितनी हो गई बच्चों ई एन हो गई। लेकिन वहीं बच्चों एक बात और कहूँ इसके बारे में भी, अगर आप लोग बात करें यानी कि ये वाला जो बात करें, इसका बेस भी बच्चों कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, बेस कितना आ रहा है बच्चों ई सी आ रहा है, ई सी, और हाइट कितनी आ रही है बच्चों, ये देखिए हाइट इतनी आ रही है, डी एम आ रही है हाइट, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, डी एम लिख दिया। यानी कि आप लोग ये बड़े आराम से कह पाए बच्चों। अब अगर आप लोग बात को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरे पास 2 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 3 और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 4। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, डिवाइड 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि पहली इक्वेशन को तीसरी से डिवाइड करूँगा और इसी के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा बच्चों किसको, डिवाइड दूसरी को चौथी से, दूसरी को किसे कर दूंगा, चौथी से मैं डिवाइड कर दूंगा। सो यहां पर मेरे पास बच्चों आखिरकार आकर के बचेगा क्या, इस बात को आप लोगों को यहां पर समझाना चाहता हूं। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम यहां पर काम आने वाली है कि जब कभी भी आप लोगों के पास दो पैरल लाइन्स दे रखी होती हैं तो इन दो पैरल लाइन्स में अगर आप लोगों को सेम बेस पर दो ट्राइंगल बने, देखिए बेस सेम ही है और आप लोगों ने एक ये भी ट्राइंगल बना लिया और आप लोगों ने ये भी ट्राइंगल बना लिया, तो इन दोनों के जो एरियाज होते हैं, एरियाज आर सेम, मतलब कि आप लोगों को अगर दो पैरेलल लाइन दी गई, दो पैरेलल लाइन दी गई और बेस एक ही बना दो और दो ट्राइंगल बना दो तो एरिया जो होता है वो सेम होता है। यानी कि ये वाला एरिया, अगर मैं कहना चाहूं कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों के दोनों बच्चों क्या हैं, सेम है। सिमिलरली ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं कह दूं यहां पर तो क्या कुछ गलत होगा, अगर मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए मानो, अगर ये एक्स है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये भी एक्स है तो आप ये भी बोल सकते हो क्या, ये भी वाई है और ये भी क्या है बच्चों, वाई है, कह सकते हो नहीं कह सकते हो। तो अगर मैंने पहले को तीसरे के अपॉन में रखा है यानी कि मैंने एक्स के अपॉन में वाई रखा है, मैंने दूसरे को चौथे के अपॉन में रखा है यानी कि मैंने एक्स, दोबारा दूसरे को भी मैंने एक्स ही बोला है, ये भी, ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, बोलो हाँ, अरे कह दो हाँ। यही एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई साहब, अब अगर आप लोग इस चीज़ को लगाते हैं यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, पहला अपॉन में तीसरा, तो आपको मिलेगा 1/2 × में ए डी इंटू में ई एन, अपॉन में आपके पास आ जाएगा 1/2 × में आपके पास आ जाएगा डी बी इंटू में ई एन। सिमिलरली आप इसे बराबर कह सकते हैं, किसके, इसके बराबर कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया रीज़न, फैक्ट पता है, यू नो द फैक्ट दैट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इफ द बेस इज सेम द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 1/2 × में ए ई इंटू में डी एम अपॉन में बच्चों 1/2 × में ई सी इंटू में डी एम। आपको पता है डी एम से डी एम गया, 1/2 से 1/2 गया, 1/2 से 1/2 गया, ई एन से ई एन गया, देन वॉट यू विल गेट ए डी अपॉन में डी बी और आप कह सकते हैं ए ई अपॉन में ई सी, आप ये बात कह सकते हैं बच्चों। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, इसी को कहते हैं हम बी पी टी थ्योरम, और यहाँ से हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स निकल करके आ जाते हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आपको पता चल गया कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ई सी हो गए, ये तो आपको पहला फैक्ट पता चल गया, ये तो आप लोगों ने मैंने यहाँ पर प्रूफ निकाल के दिखा दिया। बाकी और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, कैसा कि आप इसे रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, यानी कि आप डी बी अपॉन में ए डी लिख सकते हैं और ई सी अपॉन में ए ई करके लिख सकते हैं। इसी में एक बात और बता दूं आप लोगों को कि इसको किस तरीके से याद रखना है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरीके की चीज़ों को याद रखने में कि अगर यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, तो इस वाले छोटे वाले के सामने यही वाला छोटा वाला होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, इस वाले छोटे वाले के सामने यही छोटा वाला होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए। जैसे देखेंगे ए डी, देखिए ए डी के सामने क्या है, ए ही है, डी बी के सामने, डी बी के सामने
इसी है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ आप लोगों को और क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग प्लस कर दें दोनों तरफ, यानी कि ए डी अपॉन में डी बी प्लस वन कर दें अगर आप लोग दोनों तरफ, और ए ई अपॉन में ई सी प्लस वन कर दें, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर डी बी चला जाएगा, तो ए डी प्लस में डी बी अपॉन में डी बी और ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी, यानी कि आपको यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों, ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में डी बी और ए सी अपॉन में ई सी। अब देखिए बड़ी वाली लाइन, यानी कि ये जो पूरी बड़ी वाली लाइन है, इसके सामने क्या है, बड़ी वाली लाइन ही है बच्चों, और कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान रखें आप सभी सारे के सारे बच्चे, ठीक है ना, ये बात यहाँ तक कन्फर्म हो गई। इसको आप क्या कर सकते हो, इसका चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई, क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा अपॉन में ए बी आ जाएगा और ई सी आ जाएगा अपॉन में ई सी आ जाएगा अपॉन में ए सी आ जाएगा। सिमिलरली आप लोग पाँचवें पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी आप लोगों ने ए बी के साथ छोटा वाला पॉइंट कौन सा लिया, ये वाला लिया, अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, छोटा वाला पॉइंट ए डी भी ले सकते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी, ध्यान से सुनिएगा, अब आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ यहाँ पर कि इसको भी आराम से किया जा सकता है, ठीक है ना, अब आप इसको बस याद रख लीजिएगा कि ए बी जो दे रखा है ए बी के साथ में, अभी आप लोगों ने डी बी लिखा था, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं ऊपर वाला पोर्शन लिख रहा हूँ, ए डी लिख रहा हूँ, ए बी के सामने बड़ी वाली के सामने बड़ी वाली रखूँगा यानी कि ए सी, ए डी के सामने क्या रखूँगा ए ई, इसका रेसिप्रोकल भी बोल सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी। ये कुछ छः कंडीशंस बनती हैं इसकी, जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि किस तरीके के सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे, और इसी में आप लोगों को एक बात और भी बताना चाहूँगा कि इसका एक आप कन्वर्स भी पढ़ते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने, जैसा कि अभी यहाँ पर क्या कहा आप लोगों ने कहा यहाँ पर कि अगर एक ट्रायंगल दे रखा है उसके अंदर एक पैरेलल लाइन दे रखी है तो फिर आपका क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी लग जाती है। उसी तरीके से वो ये कहते हैं आप लोगों से, उसी तरीके से वो और क्या कहते हैं आप लोगों से, देखिए जरा यहाँ पर, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, वो बोल रहे हैं कि अगर रेशियो, अब पहले क्या था कि पैरेलल लाइन दे रखी थी तो आपको बताना था कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ई सी था, ये आपको प्रूफ करना था पहले, अब बोल रहे हैं कि ये दे रखा है तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस होंगी, बस उसका कन्वर्स ये होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, सवाल के बारे में बात करते हैं, तो सवाल किस तरीके का दिया गया है आप लोगों को, सवाल आप लोग देख सकते हैं, ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स आर, भाई देखिए अगर आप पॉइंट सर्कल यहाँ बना देंगे तो ये देखिए, बस देखिए स्ट्रक्चर सबके सेम है, सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है, सो इसका मतलब सिमिलर इन शेप हैं ये, इसका मतलब इन्हें हम क्या बोलेंगे, सिमिलर, सिमिलर टू ईच अदर बच्चों, ठीक है ना। ये 2020 का सवाल है और आप लोगों को यहाँ से समझ में आना चाहिए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसे बोर्ड्स में सवाल पूछे जाते हैं उसी तरीके के सवाल अगर आप प्रिपेयर करेंगे तभी आप बोर्ड्स में जो है बच्चों टॉप कर सकते हैं, और कोई साधन नहीं है और कोई तरीका नहीं है बोर्ड्स में टॉप करने का, ठीक है। चलिए ज़रा अब यहाँ पर 2020 का एक और सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, कहते हैं कि प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन में ई एफ, देखिए बी एफ अपॉन में ई एफ रख दूँ और बी ई, बी ई अपॉन में कितना आ जाए आप लोगों के पास, ई सी आ जाए, ये कैसे पॉसिबल है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप सभी लोग इस ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये जो डी ई है, ये जो डी ई है ये पैरेलल है किसके, ए सी के। अगर बच्चों ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब, तो पहली कंडीशन आपके दिमाग में, क्योंकि ये वन मार्क का क्वेश्चन है, आपके दिमाग में सबसे पहली कंडीशन क्या बननी चाहिए, अगर ये दे रखा है तो आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि बी ई, यानी कि ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा बच्चों, ये वाला पार्ट बी डी के बराबर होगा, बी ई के अपॉन में कितना आ जाएगा, ई सी आ जाएगा, और बी डी के अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, डी ए आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली चीज़ भी दे रखी है कि डी एफ जो है, डी एफ जो है वो किसके पैरेलल होगा, ए ई के पैरेलल होगा, यानी कि ये वाली एक साइड दे रखी है। अब ये एक नया ट्रायंगल बन गया, एक ये एक नई चीज़ है, तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि बी एफ अपॉन में एफ ई जो है बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन में डी ए के। अब यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि बी डी अपॉन में डी ए यहाँ भी दे रखा, देखो इससे जो चीज़ निकल करके आई वो समझो,
जो इससे चीज निकल करके आई वो समझो, जो प्रूफ करने के लिए दे रखा है वो अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो मैं दिख रहा है यहाँ पर, अगर ये तुम्हारी पहली इक्वेशन है और ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन है, और अगर तुम इन्हें बराबर कर दो बच्चों तो क्या मिलेगा, देखिए जरा, बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल्स टू में, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, तो अब इन दोनों को ही बराबर लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ सी। और आप देख लीजिए क्या आपको यही एफ सी यहाँ पर कितना दे रखा है बच्चों, एफ सी दे रखा है, एफ सी क्यों दे रखा है यहाँ पर, एफ सी मैंने क्यों लिखा है, बी एफ अपॉन में एफ ई, एफ ई लिखा लिखा होगा यहाँ पर, एफ ई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों कि बी ई, बी अपॉन में ई सी, बी अपॉन में ई सी इक्वल्स टू में बी एफ अपॉन में, बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है। तो 2020 का ही सवाल है, और देख लो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है और कितना आसान सवाल था, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप यहाँ तक की बात जो होगी बड़ी आराम से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगले सवाल में भी यही कहूँगा, सबसे पहले जो पैरेलल दे रखा है, जो कॉन्सेप्ट बताए सबसे पहले उसको लगाइए। ये चीज़ दे रखी है पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है, यानी कि आपको पता चल गया कि ए क्यू, देखिए इसके सामने क्या रहेगा, इसके सामने क्या रहने वाला है, ए पी रहने वाला है, ए क्यू अपॉन में क्यू भी लिख लीजिए और ए पी के अपॉन में पी सी लिख लीजिए, ये दोनों बराबर रहेंगे, ये पहली इक्वेशन बन गई आप लोगों की। सिमिलरली कहते हैं पी आर जो है वो सी डी के पैरेलल है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ए आर अपॉन में आर डी कह सकते हैं आप यहाँ पर, और ए पी अपॉन में, ए पी अपॉन में पी सी कह सकते हैं आप। और इसी के साथ आपको ये पता चल गया कि अब प्रूफ क्या करना है बच्चों, ये प्रूफ करना है कि क्यू बी अपॉन में ए क्यू और डी आर अपॉन में ए आर, यानी कि आप लोगों को करना क्या है, ए क्यू अपॉन में क्यू बी और ए आर अपॉन में डी आर या फिर आर डी कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें तो बच्चों सेम ही है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है, जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी एक दूसरे के सेम होंगे, यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ए क्यू अपॉन में क्यू बी इज इक्वल्स टू में ए आर अपॉन में आर डी लिख दें या फिर आप डी आर लिख दें, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। अच्छा, डी आर जो है वो ऊपर लिखा हुआ है और क्यू बी जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो आप कुछ ना करें, अब आप बस इसका रेसिप्रोकल कर दें बच्चों, क्योंकि यही चीज़ प्रूफ करनी है। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्यू बी अपॉन में ए क्यू आ जाएगा और डी आर अपॉन में ए आर आ जाएगा, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इट ओके, ठीक है। चलिए ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हाँ एक बात और बता दूं, ये वाला सवाल भी आप लोगों से 2020 में ही पूछा गया है, तो मतलब किसी एक अलग सेट में पूछा गया होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक ही तरीके के सवाल पूछे जाते हैं क्या, नहीं बेटा अलग अलग सेट आते हैं, तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है। ये इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए करने जरूरी हैं, आपको ये पता चल जाता है कि क्यों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूँ, मैं क्यों कौन से तरीके के सवाल करूँ, इस तरीके के सवाल करें, ठीक है ना। चलिए ज़रा 2020 का ये एक और सवाल है, बिल्कुल ही सिमिलर सवाल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये आप लोगों के लिए। डी ई जो है बच्चों वो पैरेलल कह दिया गया है ए सी के, यहाँ से पहली ही स्टेटमेंट निकल करके आती है कि बी डी अपॉन में डी ए जो होगा वो बराबर आ जाएगा बच्चों बी ई अपॉन में ई सी के। दूसरी स्टेटमेंट, डी सी जो है, डी सी जो है पैरेलल है ए पी के, इसी से निकल करके आ जाती है स्टेटमेंट कौन सी कि डी सी, डी सी था ना, डी सी था, तो आपके पास आ जाती है बी डी, बी डी, एक मिनट, यहीं से स्टेटमेंट आ जाती है बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल्स टू में डी सी ए था, तो बी कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन में सी पी आ जाएगा, इज इट ओके बच्चों। अब यहाँ से एक बात समझो, अब यहाँ से आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर देखिए बी डी और डी ए ये दोनों के दोनों बच्चों एकदम सिमिलर आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दोनों के दोनों सिमिलर आ रहे हैं, और अगर दोनों के दोनों बच्चों सिमिलर आ रहे हैं इसका तो मतलब ये हो गया, इसका तो मतलब ये हो गया बच्चों कि आप लोग ये कह सकते हैं कि बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में सी पी, और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने भी यही चीज़ करने के लिए बोला है आप लोगों से, ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये चीज़ भी यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दी, और मुझे लगता नहीं कि किसी भी एक बच्चे को कोई सी भी तकलीफ आ रही होगी अब इसको करने में, है ना। चलिए ज़रा बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कहते हैं कि आपको ये प्रूफ करना है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है बी ए सी, बी ए सी जो है वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है बी ए सी। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं हमसे ये वाला एंगल जो है वो बराबर है इस वाले एंगल के, ठीक है, पहली बात तो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि ए डी अपॉन में, देखिएगा ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ई सी, यानी कि ये वाली चीज़ अपॉन में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अपॉन में ये वाली चीज़।
तो ये वाली चीज तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम में ही पढ़ी है। और जब ऐसा होता है, जब ये चीज दी जाती है, तो ये क्या कहती है, इसका मतलब निकल करके आता है बच्चों कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। यानी कि मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरे जो डीई और पैरेलल हैं किसके, बीसी के हैं। कैसे पता चली? बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कैसे पता चला मुझे बच्चों? ये पता चला मुझे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। क्लियर हो गई मुझे ये वाली बात तो, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बात कर लेते हैं बच्चों इसके बारे में जरा। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आपको पता चल गया, देखिएगा, अगर कोई एक लाइन दे रख, दो लाइन दे रखी हो ना ऐसे जाएं, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को अगर इसे आप ए वन कह दो, इसे आप टू कह दो, जो आप बोलते हैं वन एंड टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो वन इक्वल टू हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के, ध्यान रखें इस बात को। सो इसका मतलब, और ऐसे में ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली लाइन जो होते हैं पैरेलल होती हैं। अब जरा खुद से देखिए, ये अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करें, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, तो जो यहाँ एंगल है वही यहाँ पर एंगल है। क्या ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि आप लोग बच्चों कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए ई डी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा बाय बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं कि ए डी ई जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा बच्चों एंगल ए बी सी के बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि ये दोनों एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और हमें क्या दे रखा है कि डी जो है वो बी के बराबर है। इसका मतलब डी जो है वो सी के बराबर भी है ना बच्चों, और ई जो है वो बी के बराबर है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो गए। दैट मीन्स बच्चों, इसका मतलब बच्चों हम लोग कह पाएंगे कि एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी, ये दो एंगल एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, बराबर। और कभी भी किसी भी ट्राइंगल में ये दो एंगल बराबर होते हैं, अगर यहाँ ए बी सी लिखा है इसका मतलब ए बी बराबर ए सी भी होगा, अगर ये दो एंगल बराबर हैं तो। किसी भी ट्राइंगल में दो अपोजिट साइड्स, दो अपोजिट एंगल्स अगर एक दूसरे के बच्चों बराबर हो जाते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई जो साइड्स हैं वो दोनों की दोनों साइड्स भी लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इससे पता चल गया ये चीज़ है। और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आई? देखो बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, एक एक बात समझा रहे हैं। सो इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है। अगेन ये वाला सवाल भी, इस तरीके का सवाल भी आप लोगों को 2020 में ही पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए ज़रा बात करते हैं कुछ क्राइटेरिया के बारे में। क्राइटेरिया क्या होता है आप लोगों को समझा दूं कि जैसे जब आप कॉन्ग्रेंस करते थे या कॉन्ग्रेंट करते थे आप लोग ट्राइंगल्स को, तो नाइन्थ क्लास में आप लोगों को ज़रूरत पड़ती थी कॉन्ग्रेंसी के लिए, कुछ प्रॉपर्टीज आती थी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर सिमिलर करने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एंगल 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 क्राइटेरियन है, अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें साइड 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 क्राइटेरियन है, साइड एंगल साइड है, और आप लोगों के पास यहाँ पर जो है बच्चों वो एक ही एंगल है, दो एंगल नहीं है, तीन एंगल नहीं आएंगे बच्चों, ये एक ही एंगल आएगा, ठीक है ना। सो दो एंगल्स आर द टू एंगल्स, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इफ टू ट्राइंगल्स हैव करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द रेशियोज आर इक्वल टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखिए जरा आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए अगर दो ट्राइंगल्स अगर इक्वल हैं, वैसे तो आप इसे एंगल एंगल इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं इसके पीछे का रीज़न समझाता हूँ। बहुत सारी जगहों पर बच्चे एंगल एंगल लिख देते हैं, सो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है वैसे तो, लेकिन मैं एंगल एंगल क्यों बोल रहा हूँ, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है तो तीसरा वाला अपने आप इक्वल हो जाना है। भाई देखो, अगर तुम एक बात को समझो, तुम एक बात को समझना, इधर भी 50 है करस्पॉन्डिंग है, ये भी 50 है, ये वाला 60 है और ये वाला भी मान लो 60 है, तो ये वाला जो है ये अपने आप ही बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये वाला भी 70 होगा, कुछ नहीं कर सकते, ये वाला भी 70 होगा, तो अपने आप इसे एंगल 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 भी कह लो, या फिर आप इसे एंगल एंगल भी कह सकते हो, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। यानी कि दो एंगल अगर, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपको सेम दिख गए, एंगल एंगल कर दिया तो बहुत लंबा जाना पड़ जाएगा, इसलिए आप इसे एंगल एंगल में ही समझें, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ही ध्यान में रखें इसे। दो एंगल्स जितनी कम चीज़ें होंगी उतना जल्दी सिमिलर प्रूफ कर पाओगे, ये सिमिलर प्रूफ करने के लिए हैं चीज़ें। अब
आगे, क्योंकि अब आपको सिमिलर करनी पड़ेंगी चीजें। तो एंगल एंगल यानी दो एंगल, अगर दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंग दो अगर ट्राइंगल्स में आपको दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर मिल गए तो आप बिना कुछ सोचे समझे उन्हें सिमिलर कह सकते हैं। अगर आप लोगों को तीनों के तीनों साइड्स के रेशियोज बराबर मिल गए तो आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों के तीनों, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा डी ई एफ, अगर आप कह पाएँ कि ए बी अपॉन में डी ई और बी सी अपॉन में ई एफ और ए सी अपॉन में डी एफ, अगर आप ये चीज़ कह पा रहे हैं तीनों के तीनों रेशोज़ जो हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज़ अगर बराबर आ रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमिलर है। इसी के साथ अगर आप लोगों के पास देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर मैं ए बी सी, यहाँ पर मैं डी ई एफ, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल डी के, एंगल ए जो है बराबर है एंगल डी के, और इसी के साथ मैं कह दूं इन इसके साथ वाली जो साइड्स हैं इसी एंगल के साथ वाली साइड कौन कौन सी हैं, ए बी अपॉन में डी ई बराबर है ए सी अपॉन में डी एफ, मतलब कि इनके जो भी कोई एंगल होगा उसकी जो साथ वाली साइड्स हैं ट्राइंगल में, अगर उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज जो हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बच्चों बराबर आ जाएं तो हम उसे बोलते हैं एस ए एस। साइड देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस तरीके से आप लोग इस चीज को समझे बच्चों। ओके ठीक है जी, अब बारी आती है हमारे पास एक और थ्योरम की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, जो कि है कि अगर आप लोगों को दो ट्राइंगल्स दे दिए गए, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहूँगा, अगर आप लोगों को दो ट्राइंगल्स दे दिए गए बच्चों ध्यान रखिएगा, उसके अंदर अगर आप लोग दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स की एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है कि उनके जो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके रेशियो का स्क्वायर उनके एरिया के रेशियो के बराबर आता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कह दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर मेरी बात को समझें बच्चों तो आपको समझ में आएगा, यहाँ ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर आया ये एम है, यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर एन आ गया है, यहाँ पर क्यू दे रखा है और यहाँ पर आर दे रखा है, यहाँ पर पी दे रखा है। अगर आप लोग इस बात को समझ पाएँ बच्चों तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अगर आप लोग कह दें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये बच्चों बराबर हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, जैसे कि ए बी अपॉन में पी क्यू, तो ए बी का भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, मतलब कि एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि आप लोग ये भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिए बी सी के अगर आप बी सी की बात करें और क्यू आर की बात करें तो इनके भी स्क्वायर्स आ जाएंगे, अगर आप लोग ए सी की बात करें, अगर आप लोग ए सी की बात करें तो ए सी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, पी आर के बराबर आ जाएगा। इसी के साथ सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ साइड्स ही बराबर हों, साइड्स के रेशियोज ही बराबर होंगे, अगर उसमें मीडियन आ रहा होगा तो वो भी बराबर होंगे, एंगल बाइसेक्टर आ रहा होगा तो वो भी बराबर होंगे आप लोगों के लिए, अगर लाइन बाइसेक्टर आ रहा होगा तो वो भी बराबर होंगे बच्चों, जो भी साइड आ रही होगी वो बराबर हो जाएगी। मतलब कि जैसे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला है, ये परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएंगे, सेम रेशियोज में आ जाएंगे, मतलब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है ए एम एम, तो एम अपॉन में पी एन, पी एन इनके भी स्क्वायर्स बराबर होंगे, अगर आप लोगों ने यहाँ से कोई एंगल बाई सेक्टर यहाँ डाला होता तो वो भी बराबर होते। ठीक है, ये वाले पॉइंट जो हैं, ये वाले जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखने हैं कि मीडियन के लिए भी होता है, एंगल बाई सेक्टर के लिए भी होता है। ठीक है, और जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड डाल देना, परपेंडिकुलर डाल दिया, इसके लिए भी होता है, एंगल बाई सेक्टर हो, लाइन बाई सेक्टर हो, या फिर आपके पास परपेंडिकुलर डालने वाला हो, उन सभी के लिए होता है ये, उनके भी करस्पॉन्डिंग जो है ना वो भाई, जैसे मैंने एबीसी के ऊपर रखे हैं तो आप एबीसी का जो मीडियन हो उसको ऊपर रखें और जो दूसरा वाला पीक्यूआर उसके मीडियन को नीचे रखें और इनके स्क्वायर कर दें तो बराबर आएंगे वो। ठीक है, इस बात को आप लोगों को यहाँ पर बच्चों ध्यान में रखना है। ओके जी, इसी के साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका प्रूफ कर दूँ तो इसका प्रूफ भी हो जाएगा बड़े ही आराम से। ठीक है ना, लेकिन अपन लोग अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। अगर आप लोगों से बोला जाए कि ए बी सी और पी क्यू आर आप लोगों को दो ट्राइंगल्स दे रखें, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं अगर आप लोगों को दे रखे हैं, और आप लोगों को बोला गया कि ए बी अपॉन में पी क्यू 1/3 दे रखा है तो एरिया क्या हो जाएगा, तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आप लोग ए बी सी ले लें और ए ट्राइंगल यहाँ पर पी क्यू आर हो जाए तो आप लोगों के पास कितना हो जाता है, ए बी अपॉन में पी क्यू,
इन दोनों के स्क्वायर का रेशियोज हो जाएंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना आ रहा है 1/3, स्क्वायर करिए कितना आ रहा है 1/9। देख लीजिए 2020 और 2018 में दो बार ये सवाल आ चुका है, 2020 में भी आया, 2018 में भी आया। अब आप लोग यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस को बच्चों समझ सकते हैं। इसी के साथ अगर अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ तो इन्होंने पूछ ही लिया, मैंने इसलिए वहाँ पर प्रूफ नहीं करवाया था क्योंकि इस तरीके का सवाल आया है तो मैं वहीं पर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो चलिए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्यों ना जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। अगर आप लोग बच्चों इनके एरिया को फाइंड करना चाहें, अगर आप इनके एरिया को फाइंड करना चाहें तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप ए बी सी के ट्राइंगल के बारे में अगर आप लोग बात करना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बेस कितना है 1/2 इंटू में बी सी इंटू में हाइट कितनी आ गई बच्चों, ए एम आ गई, ए एम आ गई, ठीक है ना। और इसी के साथ बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में बच्चों, आपके पास इधर देखिए ज़रा ध्यान से, बेस आ रहा है आपके पास क्यू आर इंटू में, हाइट कितनी है पी एन है। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को एक बता दूं कि उन्होंने बोला है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, क्या हैं, ये दोनों के दोनों हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी पी क्यू आर पी आर, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या रहने वाले हैं बच्चों, बराबर रहने वाले हैं। ये बात तो आप मानोगे, मानोगे नहीं मानोगे, है ना, मानोगे। सो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो हम लोगों को यहाँ पर बच्चों अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ बच्चों तो मुझे रेशियो देखने को मिलता है, देखिए मैं रेशियो निकाल रहा हूँ इनके, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। जब ऐसा हुआ बच्चों तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा बी सी अपॉन में क्यू आर इंटू में ए एम अपॉन में पी एन, ये चीज़ बनी हमारे पास। लेकिन अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट है बच्चों, वो ट्विस्ट क्या है, अगर आप लोग एक बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर अगर दो ट्राइंगल्स बना दूँ, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बना दूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बात ज़रा ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर यही वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, कौन सा है ये है ए, ये है बी और एम, ठीक है, और एक और ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा ट्राइंगल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और ज़्यादा जगह ना जाए। देखिए आपको पता है 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, ये तो क्यू है, ये बी है, ये कितना है बच्चों, देखिए एक 90 डिग्री है और ये दोनों, आप जानते हैं कि एंगल जो होंगे वो हमारे बराबर होंगे, यानी कि एंगल बी जो है, एंगल बी जो है बच्चों वो बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल ए जो है बराबर होगा एंगल पी के, और एंगल सी जो है वो बराबर होगा बच्चों एंगल आर के, क्या ये बात मानते हैं आप सभी लोग, मानते हैं। तो सिमिलर करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने जो क्राइटेरिया बताया है उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि जो एंगल आप लोगों के पास बन रहा है ए बी, देखिएगा ए बी एम बराबर होना चाहिए वो किसके, पी क्यू एन, पी क्यू एन वो बराबर ही होगा, ठीक है ना, बाय द सिमिलर ऑफ, भाई यहीं से पता चल रहा है ना, वो तो बराबर हैं दोनों एक दूसरे के क्योंकि सिमिलर दे रखे थे भाई, सिमिलर दे रखे हैं तो ये वाला तो बराबर होंगे ना बच्चों, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे। और यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ पता चलता है कि एंगल ए एम बी बराबर है एंगल पी एन क्यू के, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों के क्या हैं बच्चों 90 डिग्री, यानी कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, यानी कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हम लोगों ने इन दोनों को सिमिलर कर दिया। इसका मतलब एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि मैं ये बोल सकता हूँ, देखिए अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर आ जाएगा ए एम अपॉन में पी एन बराबर आ जाएगा बी एम अपॉन में क्यू एन, बस यही चीज़ तो चाहिए थी। जैसे ही तुम्हें ये चीज़ पता चली तुम ये कह पाओगे कि देखिए ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में पी क्यू, देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये ए एम अपॉन में किसके बराबर आ रहा है, ए एम अपॉन में पी एन के बराबर आ रहा है, यानी कि बात बन गई, यानी कि मैं यहाँ से कह पाऊँगा, अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, यानी कि जो बी सी अपॉन में क्यू आर लिखा हुआ था बच्चों इसको मैं लिखे रहने दूंगा, और ए एम अपॉन में पी एन की जगह, ए एम अपॉन में पी एन की जगह मैं बी सी अपॉन में क्यू आर दोबारा लिख सकता हूँ,
बी सी अपॉन में क्यू आर दोबारा लिख सकता हूँ, यानी कितना आ जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। अब बताओ सारे के सारे बच्चे बात मानते नहीं मानते। इसी तरीके से जब आपको पता चल गया कि देखिए आपको पता रेशियोज बराबर हैं, इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि बी सी का अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर किसके बराबर है इसके, तो इसका स्क्वायर भी इसके बराबर होगा, यानी कि आप लोग कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर होगा। इसी मतलब से ए एम का स्क्वायर अपॉन में पी एन का स्क्वायर होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ भी कर डाला। ठीक है बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, जो अंदर एक ट्रायंगल बने, ये जो अंदर ट्रायंगल बना हुआ था इसका फ़ायदा उठाया बस अपन लोगों ने, इसका फ़ायदा उठाया। ठीक है ना, सिमिलर जो दे रखा था बच्चों, जो कभी भी कोई भी चीज़ सिमिलर दी जाएगी, जो गिवन दिया जाएगा उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए ज़रा बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। सारे ही बच्चे, मैं कहना चाहूँगा सारे ही बच्चे इससे बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं, उनको पता है अवगत का मतलब है। ठीक है ना, ज़्यादा ही सोशल, ज़्यादा ही हिंदी हो गई। ए बी सी तो हम सब जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर होता है बच्चों। सो यहाँ से काफ़ी सारी कहानियाँ निकल करके आती हैं, कैसे इसे प्रूफ करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। दो तरीके के इसके प्रूफ होते हैं, दोनों तरीके के प्रूफ आप लोगों से पिछले सालों में पूछे गए हैं, इनफैक्ट 2020 में ही पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया बीपीटी का प्रूफ, एरिया ऑफ साइड का रेशियो का स्क्वायर जो था उसका भी प्रूफ आप लोगों से पूछा जा चुका है, और पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रूफ पूछा जा चुका है। तो यानी कि ये तीनों के तीनों प्रूफ आपको आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए इनके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा सवाल कैसे आते हैं। सवाल के से पहले भी आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अभी आएंगे अपन लोग ये प्रूफ करने आएंगे पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है ना, उसकी टेंशन आप लोग ना लें, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया है बच्चों, पी वाई क्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पी वाई क्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए सर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ये वाली जो साइड है ये तो साइन से ही पता चल रही है, बराबर एक दूसरे के 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब अपन लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर है बच्चों वो बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस में सी ए का स्क्वायर, है ना। तो अगर बच्चों ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब है ना, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ बच्चों, ज़रा देखना। मुझे पता है ए सी बराबर जो है वो बी सी है, यहाँ पर मुझे ए सी और बी सी, मुझे बी सी तो देखने को नहीं मिल रहा है, ए सी देखने को मिल रहा है, तो क्योंकि टू टाइम्स में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कहाँ दिख रहा है, ए सी दिख रहा है मुझे, तो मैंने ए सी को उठा लिया बच्चों, यानी कि मैं बी सी की जगह पर क्या लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर, और ये भी क्या लिखा है, ए सी का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए बी कहाँ कहाँ दे रखा है, तो यानी कि ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो गई, ए बी टू टाइम्स ऑफ ए सी पहले में ही दे रखा है, तो यानी कि पहला ही जो है हमारा जवाब हो गया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों, है ना। तो चलिए ज़रा बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा बच्चों अगला सवाल जो दे रखा है वो पूछा गया आप लोगों से बड़ा ही ताज़ा, 2019 में भी आया, 2020 में भी आया, लगातार दो सालों से आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या सवाल है बच्चों, ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर। इन अ ट्राइंगल ऑफ स्क्वायर, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब अगर किसी एक साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है बाकी की दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के, तो यहाँ पर वो आप लोगों से पूछ रहे हैं प्रूव दैट द एंगल ऑफ अपोजिट ऑफ द फर्स्ट साइड, जो पहली वाली साइड जिसका स्क्वायर किया था उसके जो अपोजिट साइड आ रही है उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, या फिर आप कह सकते हैं राइट एंगल होगा। कहते हैं कि एक साइड जिस का जो स्क्वायर है वो बराबर आ रहा है दो साइड के स्क्वायर के, और जो साइड आपने ली उसके सामने वाला जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, वो ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ बात कहना चाहूँगा इसमें। इसको प्रूफ करने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए कभी भी आप इस तरीके से करें, आप लोग एक काम क्या करें, आप लोग ये एक ट्राइंगल लीजिए ए बी और सी, एक और ट्राइंगल आप लोग कंस्ट्रक्ट करिए, उसमें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग यहाँ पर एक बड़ा ही सिंपल सा काम करें, आप लोग यहाँ पर लिखें पी क्यू आर,
और ध्यान रखें बच्चों कि ये जो आप लोगों ने बनाया, अब आप लोग ये जानते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ए सी का जो स्क्वायर है ना वो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर हो रहा है। ये बात तो उन्होंने खुद से बोली है ना भाई थ्योरम में, मतलब यहाँ पर तो प्रूफ करने से पहले ही खुद में बोल दी कि एक ऐसी साइड जिसका स्क्वायर करूँगा तो वो बराबर आ रहा है बच्चों सामने वाली साइड के स्क्वायर्स के जोड़ के, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ होने वाली है। अच्छा जी, अब वो बोल रहे हैं कि उसके सामने वाला जो है वो 90 डिग्री है, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है, ये हमको प्रूफ करना है, करते हैं। हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये हम लोगों की तरफ से कंस्ट्रक्शन है। इसमें बस एक बात ध्यान रखना कि पी क्यू जो है वो बराबर है बच्चों ए बी के, और हम लोगों ने क्यू आर को जो बराबर रखा है, क्यू आर को जो बराबर रखा है हम लोगों ने वो रखा है बी सी के। इस बात को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक 90 डिग्री एंगल भी बनाया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए ज़रा, अब आपको पता है कि ए बी जो है वो बच्चों क्या है, बराबर है किसके, पी क्यू के, तो इसका मतलब ए बी का जो स्क्वायर होगा वो भी किसके बराबर होगा, पी क्यू के स्क्वायर के। आपको पता है कि बी सी जो है वो बराबर है क्यू आर के, इसका मतलब बी सी का जो स्क्वायर है वो भी बराबर होगा किसके, क्यू आर के स्क्वायर के। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर आप कहीं पर लिख रहे हैं ए बी का स्क्वायर प्लस में, मैं इस बात को आप लोगों को कहना चाहूँगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या लिख रहे हैं आप लोग, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर लिख रहे हैं ना, आई थिंक ए सी लिख रहे हैं बच्चों, ए सी सॉरी, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए सी का स्क्वायर। अब इसी के साथ आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए सी का स्क्वायर। लेकिन बच्चों मैं क्या जानता हूँ भाई, मैं क्या जानता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि ए बी की जगह पर पी क्यू का स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है, और बी सी की जगह पर क्यू आर का स्क्वायर भी आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ रहा है, ए सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और मैं एक बात और भी जानता हूँ बच्चों कि जो पी क्यू का स्क्वायर और आर क्यू का जो स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का जो स्क्वायर है वो बराबर आ रहा है मेरे पास बच्चों कितना, ए सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ पता चल गई कि पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर जो था वो किसके इक्वल आ गया, अब ए सी के स्क्वायर के बराबर। अच्छा, एक बात और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी बच्चों कि आप लोग यहाँ पर जब कभी भी ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये 90 डिग्री बनाया आप लोगों ने, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और लिखनी होगी आपको कि पी क्यू का जो स्क्वायर है वो बराबर, पी क्यू का जो स्क्वायर है और प्लस में जो क्यू आर का स्क्वायर है वो बराबर होगा पी आर के स्क्वायर के बराबर। ये चीज़ भी नोटेशन में लिखना, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय क्या लिखनी पड़ेगी आपको, कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ आप लोगों ने लिख रखी होगी। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपको पता है ये इसके बराबर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हमारी जो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग था ये एक और किस चीज़ के बराबर था, ये पी आर के स्क्वायर के बराबर था, यानी कि पी आर का स्क्वायर अब किसके बराबर हो गया है, ए सी के स्क्वायर के बराबर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पी आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में भी यही चीज़ लिखी है, इसको लिखना ज़रूर बच्चों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने की है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है कि पी क्यू का स्क्वायर करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो पी आर होगा, ऐसा हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया है, इसमें हम लोगों ने 90 डिग्री रखा है। यहाँ पर आपको पता था कि यहाँ पर देखिएगा ज़रा, यहाँ पर आपको पता था कि पी क्यू इज इक्वल्स टू है ए बी के, क्यू आर इज इक्वल्स टू है बी सी के, अब आपको क्या पता चला, पी आर इज इक्वल्स टू है ए सी के। इसका मतलब एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से आप लोग ये बोल पाएंगे कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं बच्चों, क्या है ये, कॉन्ग्रेंट हैं। और करस्पॉन्ड जब कभी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। तो क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी, इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री होगा, यानी कि एक वो वाली साइड जिसका स्क्वायर करूं और उसका स्क्वायर जो है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, उसके सामने वाला एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि मैं यहां पर इस चीज को प्रूफ कर पाया। अगेन कैसे कर पाया, मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया, उसमें ये ए बी सी बनाया और ये वाली कंडीशन मुझे पहले से ही गिवन थी, मैंने पहले से ही लिख दी, यहाँ पर 90 डिग्री था ये मुझे नहीं पता अभी। फिर मैंने क्या किया, एक और ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, मैंने वहाँ पर क्या किया, कंस्ट्रक्शन में लिखा कि यहाँ 90 डिग्री ले रहा हूँ, पी क्यू की जो लेंथ ले रहा हूँ वो ए बी ले रहा हूँ और क्यू आर की लेंथ जो ले रहा हूँ वो बी सी ले रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर ये भी लिखा कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी आर का स्क्वायर, यहाँ से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ए बी और बी सी की जगह पे पी क्यू और क्यू आर लिख दिया, पी क्यू और क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया, तो वो बराबर किसके हो गया, ए सी के स्क्वायर के।
और यहां पर ये किसके बराबर था, पी आर। तो पी आर और ए सी एक दूसरे के बराबर हो गए, तो एस एस कॉन्ग्रेंसी से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एक जैसे ही साइड और एक जैसे ही एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो यहां पर 90 था तो यहां पर भी कितना हो गया 90, दैट्स व्हाई हम कह पाएंगे कि यहां पर कितना बनेगा बच्चों 90 डिग्री एंगल। आई होप आप सभी लोगों को यहां तक की ये वाली कहानी, ये वाली जो बात थी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में बच्चों। और अभी आप लोगों की एक थ्योरम और बच रही है, उसका भी प्रूफ मैं यहीं पर आप लोगों को करवा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब देख लेते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। प्रूफ मैंने कहा, जैसा कि आप लोगों को प्रूफ आपको यहीं मिल जाएगा। और देख लीजिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं 2020, 2019, 2018 लगातार 3 साल से ये वाला सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को अब आप जानते होंगे, समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए जरा क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। अगर इसको सॉल्व करने की बच्चों बात आती है आप लोगों के सामने, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जरा हम लोग यहां से सॉल्व करने से शुरू करते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है ये एक ट्राइंगल बोल रहा है हमारे साथ, बन रहा है हमारे सामने। यहां पर हम लोग एक लाइट कलर लेते हैं, ये वाला। देखिए यहां पर 90 डिग्री भी बन रहा है, सामने भी यहां पर जो है बच्चों 90 डिग्री ही बन रहा है। यहां पर ही बच्चों क्या बन रहा है, 90 डिग्री ही बन रहा है। अब मैं यहां पर आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, बड़ा वाला जो आपके पास ट्राइंगल दे रखा है आप वो तो रखिए ही रखिए, आप उसी के साथ एक काम और करिए, दो ट्राइंगल्स और बनेंगे इसमें राइट एंगल। जैसे यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर वाला है, इस 90 डिग्री से यहां पर जो परपेंडिकुलर डाला है दो राइट एंगल में बढ़ चुका है ये। यानी कि अगर मैं सही से बोलूं तो हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हो चुके हैं, वन ऑफ देम इज ट्राइंगल ए बी। देखिए ए बी सी, बी सी, और देखिए कैसे जा रहे हैं हम, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोगों को हर ट्राइंगल को सबसे पहले सीक्वेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ज़रा देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों। ज़रा बेसिक बातों को समझेंगे, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये एक राइट एंगल है, तो आप लोगों को ये बात तो कन्फर्म हो गई कि आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं ए बी का जो स्क्वायर है प्लस में बी सी का जो स्क्वायर है वो बराबर है ए सी के स्क्वायर के। ये तो आप कह ही सकते हैं पाइथागोरस से, ये तो आप लोग कह ही सकते हैं। यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ कर, एक्चुअल में यही वाला जो गेम है यही वाला प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर। ज़रा मेरी बात को बच्चों देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना। वो आप लोगों से बोल भी रहे हैं, देखो ज़रा यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लो अगर पढ़ना चाहो तो, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है ये बात कन्फर्म है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, ठीक है ना। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है बच्चों, बड़े शांति वाले दिमाग के साथ करना, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करनी है। राइट एंगल यहाँ पर दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ए बी सी आप लोगों ने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अच्छा अब ए सी ए बी सी अगर आप लोगों ने एक ट्राइंगल ले लिया, तो आप लोग अब इस वाले ट्राइंगल को, ये जो आपके पास ए डी बी करके आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल को आप लोग अगर ऐसे रखेंगे, ज़रा देख मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री दे रखा है, आप लोग अगर इसको इस तरीके से ऐसे घुमा करके रखें, अगर यहाँ पर ऐसे घुमा करके रखें, तो डी वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा बी की जगह पर, ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा बच्चों, यहाँ पर सी की जगह पर चला जाएगा, ये वाला ए की जगह पर। तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी बी ए डी सी आ जाएगा आप लोगों के पास, यानी कि ट्राइंगल एक और आ गया आप लोगों के पास, ट्राइंगल ए डी सी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ए डी सॉरी मैं कह रहा हूँ ए डी सी आ जाएगा, ए डी बी आ जाएगा बच्चों, ए डी बी आ जाएगा। अगर मैंने इसको उठा करके ऐसे रख दिया आप लोगों के पास, अगर इसको मैंने ऐसे रख दिया तो आपके पास आ जाएगा ए डी बी आ जाएगा, ए डी बी आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये बच्चों ये जो सीक्वेंस होता है ना, इसको आप लोग बिल्कुल भी हल्के में ना लें, काफ़ी ज़रूरी होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे ले आएँ, तो यानी कि ऐसे ले आएँ तो बी डी सी आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, बी डी सी आ जाएगा। अब आप लोग एक एक करके इनको सिमिलर बनाएंगे, एक एक करके, ज़रा सबसे पहले इन दोनों को पकड़ेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर इन दोनों को पकड़ेंगे, मतलब बड़े वाले के एक साथ एक बार एक छोटा वाला फिर दूसरा छोटा वाला। चलिए ज़रा मैं आपको सिखाता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। आप लोगों को यहाँ पर एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि देखिए ये बड़ा वाला ट्राइंगल आप पकड़ लीजिए या फिर ये छोटा वाला आप ट्राइंगल पकड़ लीजिए, क्योंकि ए डी बी आप लोगों ने ले रखा है, तो यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चों कॉमन आ रहा है, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर आ रहा है एंगल किसके, बी ए डी के। ये दोनों में एंगल ये वाला कॉमन आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉमन है ये, ठीक है बच्चों। अच्छा इसी के साथ आप लोगों को ये भी पता चल रहा है कि एंगल जो है आप लोगों के पास बी डी
सॉरी यहाँ पर तो दूसरी चीज़ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर सुनिएगा, ए बी सी यानी कि एंगल ए बी सी बराबर आ रहा है एंगल किसके, ए डी बी के, ए डी बी के। तो यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों के दोनों क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो गए। क्या ये इस बात से आप लोग मुकरेंगे, नहीं मुकर सकते। तो इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन में आपके पास आ जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में आपके पास आ जाएगा डी बी। इसी तरीके से आप कह सकते हैं ए सी अपॉन में ए बी आ जाएगा आप लोगों के पास, कह सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से अब आप अगर इन दोनों को पकड़ लें, जहाँ पर ए बी दो दिख रहे हैं, तो अगर आप ए बी को यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ए डी को आप यहाँ भेज सकते हैं, यानी कि ए डी इंटू में ए सी मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल गया। सिमिलरली, कौन सा लर्ली बेटा, सिमिलरली। तो अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी बात जो मैं अब आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इसको लिखते हैं ब्लैक कलर से, ट्राइंगल। अब आप लोगों के पास अब दोबारा से ए बी सी पकड़ा एंड एक और ट्राइंगल पकड़ा ए डी बी, अब कितना हो जाएगा बेटा। तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये सी, ये जो सी है ये कॉमन आ रहा है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि बी सी ए इज इक्वल्स टू में एंगल आप लोगों के पास कितना आ रहा है, बी सी डी, ठीक है। क्या है ये, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। इसी तरीके से 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप लोग ए बी सी इज इक्वल्स टू में एंगल बी डी सी, दोनों कितने आ रहे हैं बच्चों 90 डिग्री, यानी कि एंगल एंगल से एंगल एंगल सिमिलैरिटी यहाँ पर लग जाएगी। जैसे ही एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगी आप लोग क्या कह पाएंगे, सिमिलर हो गए, यानी कि ए बी अपॉन में ए डी आ गया, ठीक है ना। देखो यहाँ से ए बी पहले लिया फिर ए डी यहाँ पर लिया, फिर कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन में डी बी आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए सी अपॉन में ए बी आ जाएगा। अब आप लोग दोबारा से बच्चों एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, कौन सा काम बच्चों कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पर बी डी सी लिया है बच्चों, तो मुझे यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, मैंने यहाँ पर बी डी सी लिया है बच्चों, सो यहाँ पर ये चीज़ मैंने गलत लिख दी है, मुझे यहाँ पर बी डी सी लिखना था, ठीक है। मैंने ट्राइंगल बी डी सी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी और बी सी अपॉन में डी सी और ए सी अपॉन में बी सी। तो यहाँ पर मैं अगर इन दोनों को पिक कर लूँ तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर मुझे मिल रहा है बच्चों यहाँ पर देखिए, इस बी सी को यहाँ भेज दूंगा तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए सी इंटू में डी सी मिल रहा है, ठीक है। मेरे पास देखिए ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये मेरे पास बच्चों है पहली इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ इक्वेशन वन प्लस में इक्वेशन टू कर दूं, तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ए डी का ए डी इंटू में ए सी प्लस में, क्योंकि ये दोनों जोड़ रहा हूं ना मैं, तो ए डी इंटू में ए सी आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, ए सी इंटू में डी सी। तो अगर सॉरी यहां पर डी सी आ जाएगा, यहां पे लिख नहीं पा रहा हूं तो फिर मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं दोबारा से, यानी कि ए डी इंटू में ए सी, ए डी इंटू में ए सी आ जाएगा यहां से, ये वाली लाइन उठाई है बस मैंने, फिर इसके बाद यहां से कितना आ जाएगा प्लस में ए सी इंटू में डी सी। अब अगर आप लोग यहाँ से मैच करेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, तो मैंने ए सी कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा आप लोगों के पास, ए डी आ गया, ठीक है, ए डी आ गया, और कितना आ रहा है प्लस में डी सी आ गया। अगर आप ए डी देखो, ए डी ये रहा और डी सी ये रहा, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना है, ए सी है, यानी कि ये चीज़ भी एक तरीके से क्या हो गई, ए सी हो गई, और बाहर क्या दे रखा था, एक और ए सी दे रखा था, तो ए सी इंटू में कितना आ जाएगा, ए सी, यानी आपके पास कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया ये AC का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, AC का स्क्वायर। यानी कि वो जो हमसे कह रहे थे कि ये जो दो साइड्स हैं, ये जो दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स के जो स्क्वायर है वो बराबर होगा, जो 90 डिग्री उसके सामने वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। और कैसे प्रूफ किया, जो 90 डिग्री था वहां से एक और 90 डिग्री का एंगल डाला था, ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल बनाए थे हम लोगों ने, बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बस ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, अगर ये सीक्वेंस आप लोगों ने इधर उधर कर दिया तो फिर आप इस तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इसका आंसर निकाल चुके हैं, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एग्जैक्टली ये दे रखा था, और तीन बार आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ताकत आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि तीन बार ये सवाल पूछा गया है और सेम सवाल पूछा जा रहा है बार बार। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि 2021 में के लिए भी किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल हम लोगों को दे रखा है कुछ इस तरीके से, देखिए जरा, हमें दे रखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोगों को 90 डिग्री बता रखा है, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है अपन को।
जब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है बच्चों, तो आपसे बोल रहे हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुछ ऐसा बना, यहां पर आ गया ठीक है, एक मिड पॉइंट डी आ गया, यानी कि ये ए था, ये भाई साहब ये बी हैं, ये सी हैं, ये मिड पॉइंट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बी डी जो है वो बराबर है डी सी के, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि टू बी डी बराबर है टू डी सी, या सी डी कह लो, बराबर है किसके, बी सी के। ये बातें आप लोग यहां पर कह सकते हैं बच्चों, मिड पॉइंट का तो मतलब ये हो गया। अब यहां पर कहते हैं कि ए सी का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमें, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर प्लस में सी डी। देखो बच्चों बहुत आसान है, कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है, आप लोगों को पता क्या है, आप लोगों को पता है अभी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो आप उन चीजों को इंक्लूड करिए जहां पर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यानी कि मेरा जो कहने का मकसद है, या मेरा जो कहने का मतलब है, वो ये है कि एक बार तो आप लोग ये वाला ट्राइंगल उठा लीजिए बच्चों, और एक बार आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल उठा लीजिए राइट एंगल, अब ये बीच वाले में मत फंस जाना क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी डी, आप लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, सॉरी बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, ए डी का स्क्वायर। ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते, लेकिन इसी के साथ आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ये वाला बड़ा वाला, वो उसमें आप लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, आप लोग कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर, कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अब यही तो इनका, अब यही मैचिंग करवानी है, यहां मैचिंग क्या करवानी है, क्योंकि यहां पर वो ए डी, देखो ए डी को कैसे इन्वॉल्व करूं, सी डी को कैसे ले आऊं, ये मेन बात है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में कुछ ऐसा दिख रहा है जो इन दोनों को जोड़ पाए, ए बी दोनों जगह दिख रहा है, तो क्यों ना मैं ए बी को यहां पर इंक्लूड कर लूं, ए बी की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, क्यों ना मैं यहां से निकाल लूं, ए बी स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको यहां रख दूं, तो यानी कि मैं इस जगह रखूंगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर ग्रीन कलर से लिखते हैं अपन, तो अब अगर इसको यहाँ पर लेकर के आऊँगा तो कितना बन जाएगा, ये ए सी का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए डी का स्क्वायर। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, अब मेरी बात सुनो, ए डी दिख रहा है, ए डी दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी डी दिख रहा है, तो यानी कि बी सी को लेकिन बच्चों मैं सी डी में लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ सी डी, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए सी माइनस में टू टाइम्स ऑफ सी डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी डी का स्क्वायर, चल रहा है बी डी दे रखा है, सॉरी बी डी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बी डी तो सी डी के ही बराबर है, यानी कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको सी डी, यानी कि इसको लिख दूंगा मैं सी डी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, है ना। अब यहाँ पर कितना चल रहा है, ए डी का स्क्वायर, ठीक है ना, तो सबको सी डी में कन्वर्ट कर लिया, अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, ए सी का स्क्वायर माइनस में फोर सी डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए डी का स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस चार और प्लस एक कितना होता है, माइनस का तीन यहां पर हो जाएगा, तो मैं उसे उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में थ्री टाइम्स ऑफ सी डी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करने के लिए बोला था, यही प्रूफ कर डाला हम लोगों ने, कर डाला, मतलब आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज करा, पहले तो मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए और फिर देखा इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, ए बी जोड़ रहा था इसमें से, देखो अगर तुम इसमें से ए बी की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते तो भी यही आ जाता, आता तो यही, बस ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई एक कंडीशन दी जाएगी, जैसे यहां पर डी दे दिया एक कंडीशन, तो वो क्या क्या बना सकता है वो सबसे पहले लिख लेना, क्योंकि वही मदद करेगा आप लोगों की, ठीक है बच्चों। अब आप लोग यहां से समझ चुके हैं कि प्रीवियस ईयर की कितनी बड़ी ताकत है, इसीलिए आप लोगों से हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर को प्रायोरिटी पर रखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं खरीदा है हमारा, तो सिर्फ 99 रुपए का प्रीवियस ईयर है, आप उसे जितना जल्दी हो सके खरीद लीजिए, सिर्फ 99 रुपए का है, और आप लोगों को वीडियोस मिल रही हैं बिल्कुल इसी क्वालिटी में जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं। सो मेक श्योर सिर्फ 99 रुपए का, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को भी और पैकेज को भी, और मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, और जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं 6 बजे 8 बजे और ये जो वन शॉट आ रहे हैं इन्हें अटेंड जरूर करें और अपना ध्यान रखें। सो आई होप आप लोगों को ये ट्राइंगल चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा,
एंड अब आप लोग तैयार हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, जल्दी से जाइए सारे के सारे क्वेश्चन लगा दीजिए, और सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद कॉन्फिडेंट हो जाइए टर्म वन एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, और हमें 9658588588 पर मैसेज करिए कि हमें PYQ चाहिए, और हमारी टीम आप लोगों को तुरंत के तुरंत जो पूरा का पूरा जो PYQ एंड MCQ असाइन कर देगी, और आप लोग इन सभी चीजों का फ्री लुफ्त जो है उठा सकते हैं। सो इंतजार किस बात का है, जल्दी से जाओ यार ऐप को डाउनलोड करो और क्वेश्चंस करना शुरू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फ्री में मिल रहे हैं और उनका वीडियो सोल्यूशन भी। तो चलिए बच्चों मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टर्म वन एग्जाम।